हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? देखिए, हम अभी आज 10वीं है और हम आप जा रहे हैं अपना ससुराल। बाबू हुआ है, 2 दिन मना के जा रहे हैं। अभी आए हैं रेलवे स्टेशन पे, ट्रेन आने वाली है। ट्रेन 8 बजे, देख सकते हैं। घर से आए थे, टोटो रिजर्व किए थे, बगल में है, आधा घंटा लगता आने में। बोले सामान था, बैग दो वो ठेला हो गया था। बोले टोटो में बैठ के जाते हैं, पैदल नहीं जा सकेंगे बाबू साहब दोनों, तो दिक्कत हो रहा था। इसीलिए मेरा भाई आया था, मम्मी भी आई थी रेलवे स्टेशन पहुँचाने के लिए हम लोग को। देख सकते हैं फ्रेंड्स, रेलवे स्टेशन बहुत दुख किया था उस दिन भी कसूटी। और हम अभी भागलपुर जा रहे हैं, वासुकीनाथ से भागलपुर जा रहे हैं। अभी ट्रेन आ रही है, अभी रास्ते में है, तब तक हम लोग बैठेंगे, थोड़ा देर रेस्ट करेंगे, तब ट्रेन आएगा तो बैठेंगे। हम लोग का घर इधर ही है फ्रेंड, जंगल जंगल है इधर, उसका पीछे में ही है। देख सकते हैं धूप कितना क्या है, बहुत धूप क्या है। अभी हम लोग यहाँ पे बैठेंगे अब सब। देखिए मेरी बेटी हल्ला कर रही थी, कब ट्रेन आएगा मम्मी, कब ट्रेन आएगा मम्मी। देखिए मेरा भाई है, मौसी का बेटा, बोल रहा था हम जाएंगे बाबू को देखने के लिए, तो फ़ोन किए थे, तो आओ आ गए रेलवे स्टेशन, इसका भी घर यहीं पे, तो आया दौड़ के, बोला फिर बाबू को देख लेते हैं, फिर बाबू मेरा कब आएगा। बाबू से सबके बहुत प्यार करता है, इसीलिए मौसी नहीं आई थी। भी देख सकते हैं ट्रेन आ गई, अब रुकेगी तब हम लोग चढ़ेंगे। देख सकते हैं वासुकीनाथ से सीधा भागलपुर जाने वाली ट्रेन है ये। उद्घाटन हुआ है जनवरी में, हुआ था उद्घाटन ये ट्रेन, सीधा वासुकीनाथ में बैठिए, 8 बजे, 2 बजे आपको भागलपुर पहुँचाएंगे। सब चीज़ व्यवस्था है ट्रेन में, लेटरिन बाथरूम सब चीज़, बहुत चीज़ खाने के लिए बिकने आता है ट्रेन में, जो मन हुआ सो। तब फिर भी हम लोग ले गए थे पराठा सब्जी बना के। देखिए अभी हम लोग चढ़ रहे हैं, मेरी बेटी चढ़ी, मम्मी भी चढ़ी बाबू को लेके। अभी सीट देख रहे थे, बैठेंगे इसमें, देख सकते हैं मेरा बाबू सो रहा है। अभी हम लोग बैठ गए हैं, मम्मी सब चली गई, ट्रेन अभी खुल गई है। बहुत ट्रेन में भीड़ था, अब फिर भी खाली हुआ, दुमका पहुँचे तो खाली हो गया, बहुत से बहुत आदमी उतर गए। मेरी बेटी बैठी है दूसरे सीट में, हम यहाँ बैठे थे। हाँ, एक आदमी था बगल में, तो दुमका में उतर गया था, कल खाली हुआ, तब सब कोई एक सीट में बैठे थे। रास्ते में जाते जाते तो बहुत ट्रेन में भर गया ट्रेन, एकदम ट्रेन, क्योंकि भागलपुर आने आ रहा था 10वीं दिन मेला देखने के लिए, इसीलिए रास्ता में बहुत भीड़ हो गया। पंडाल बहुत बड़ा बनता है ना भागलपुर में, मनवाड़ी पाठशाला, कचौरी चौक, आदमी बहुत मेला देखने आया था, तभी ट्रेन एकदम पूरा भीड़ हो गया था ट्रेन में आते समय। अब सब भागलपुर में उतरा, खाली हो गया ट्रेन। अभी हम लोग नौनी 8 पहुँचे हैं, रेलवे स्टेशन में ट्रेन रुकी है, और बैठी मेरी सोई थी, बाबू भी सो रहा था, तो बैठे बैठे रोने लगा, तो पापा लेके खड़े थे उसको, तब चुप हुआ। तंग आया था ट्रेन में बैठते बैठते, फिर बैठते बैठते तंग आ गया था पूरा। बाबू
छोटा बाबू पूरा तंग हो गया था, रो रहा था। तब इसको लेके खड़ा होके पापा इसका इधर उधर घुराए, तब भी ठीक हो चुप था। तो देखिए हम दाल मुड़ी खा रहे थे, लिए थे ट्रेन में, कि दूसरा ट्रेन वैसे आई है। देखिए ट्रेन में से दुर्गा मंदिर गए थे मेला देखने, दुर्गा मंदिर कितना नारियल पुआ टांग दिया था बना बना के उसमें ऐसे में, बहुत भीड़ था तो कोई भी मास्क नहीं लगा था। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आप सबको कैसा लगा जरूर बताइएगा।